हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक? बढ़िया। देखिए, आज इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ मेक माई ट्रिप के बारे में। आपने जैसे कि देखा, मेरी जो लास्ट टूर थी, जो कि इंटरनेशनल टूर थी, मुंबई से फुकेट के लिए, और फुकेट में हमने क्राबी देखा और फिर क्राबी से फुकेट फिर वापस मुंबई। ये जो टूर के बारे में मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता है, आपने मेरा ब्लॉग 3 देखा, उसमें आपने जाना कि मुझे कैसे मेक माई ट्रिप ने जो बुकिंग दी थी, आई मीन टू से ये बुकिंग जो मैंने पहले मेक माई ट्रिप से दी थी, ये जो बुकिंग थी वो मेरी थी बाबाजी हॉस्टल में, जो कि मैंने 23 अप्रैल को बुक किया था। अगर आप मान लो आप कहीं इंटरनेशनल टूर कर रहे हो, जैसे कि मेरी जो बुकिंग थी वो 28 दिसंबर 2019 की थी, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे? पहली तो बात, आप फ्लाइट टिकट का ध्यान रखोगे और दूसरी बात है होटल बुकिंग का। दोनों चीज़ें मैंने इसीलिए पहले बुक की थी, ऑनलाइन बुक की थी, जो कि जो एयरलाइंस थी वो मेरी इंडिगो एयरलाइंस थी, गो एयरलाइन की बुकिंग थी मेरी। जो भी बुकिंग की थी मैंने मेक माई ट्रिप से की थी, और ये जो बुकिंग की थी वो मैंने 22 अप्रैल को की थी। जैसे ही बुकिंग कन्फर्म हो गई, तो मैंने 23 अप्रैल को बाबा जी हॉस्टल बुक किया था, जो कि कराबी में है। जैसे कि ये जो हॉस्टल है वो मैंने पहले 2 दिन के लिए बुक किया था, उसके बाद और 1 दिन के लिए मैंने सेपरेट बुकिंग की थी। वैसे 3 दिन के लिए मेरा कराबी स्टे था और उसके बाद मैं जाने वाला था वापस फुकेट। मतलब पहले मैं फुकेट से कराबी 3 नाइट का स्टे करके वापस 4 दिन के लिए मैं फुकेट जाने वाला था। वो फुकेट का होटल भी जो मैंने बुक किया था वो लवली था, और वो भी मेक माई ट्रिप से किया था। अभी देखिए, ये बातें बताने का तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको संक्षिप्त में ये बातें समझ में आए। ये बातें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे मेक माई ट्रिप ने जो बुकिंग दी थी उसमें मुझे वो बुकिंग मिली ही नहीं थी, उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। देखिए हुआ क्या, जब मेरी 28 दिसंबर को जो मेरी फ़्लाइट थी वो तकरीबन 2 बजे की थी। नॉर्मली फुकेट के लिए रात में फ़्लाइट लिया तो अच्छा रहता है ताकि मॉर्निंग में हम रीच हो जाए, वो सब बातें। अभी देखिए इसमें क्या हुआ, ये बातें मैं वापस में एक बार आऊँगा। इसमें क्या है, जब मैंने ये जो बुकिंग थी, ये तीनों चीज़ें मैंने मेक माई ट्रिप से बुक की थी। उसके बाद जो दूसरी बुकिंग थी मेरी, जो कि साइट सीन और ट्रांसफ़र, ये अलग चीज़ें मैंने दूसरे एजेंसी से बुक की थी। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हमें सारी चीज़ें एक ही दिन बुक करनी चाहिए, इसलिए मैंने एजेंसी से वहाँ के साइट सीन और ट्रांसफ़र, लाइक होटल टू एयरपोर्ट टू होटल, ये सारी चीज़ें मैंने दूसरे एजेंसी से बुक की थी। और एक दिन पहले क्या हुआ, मैंने जब एजेंसी को बताया कि मैं फुकेट उतरने के बाद मेरा होटल है वो बाबा जी हॉस्टल, वहाँ पे मुझे जाना है। देखिए बाबा जी ना हॉस्टल है, बट उधर वहाँ पे आपको पता रहेगा कि ज़्यादातर कुछ कुछ हॉस्टल में प्राइवेट रूम भी होते हैं और कुछ कुछ हॉस्टल में कॉमन रूम्स भी होते हैं। बट मैंने जो जिसे डॉर्मेटरी बोलते हैं, बट मैंने जो बुक किया था होटल वो प्राइवेट रूम था। अब जैसे ही मुझे एजेंसी ने पूछा था कि आपकी बुकिंग कहाँ पे है, तब मैंने बाबा जी हॉस्टल बताया। वैसे ही उन्होंने बताया कि देखिए सर जी, ये हॉस्टल तो क्लोज है, और उन्होंने प्लस मुझे गूगल का स्नैप भेजा। मैं शॉक हो गया भाई इतना। आप यकीन मानो, आप पे मेरे साथ मेरे ऊपर क्या बीती रहेगी अगर मेरी 28 को, मतलब 27 को मुझे पता चलता है मॉर्निंग में ये होटल क्लोज है, तो 28 को मेरी फ्लाइट है रात में, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग। तब मैं ये जब सोचता हूँ कि होटल क्लोज है, फिर भी मुझे मेक माई ट्रिप मुझे ईमेल भेज रहा है कि योर जर्नी इज कन्फर्म एंड ये वो सब जो आते, मुझे हैप्पी जर्नी के ईमेल आ रहे हैं। तब जाके मैंने मेक माई ट्रिप को नॉक किया। मैंने पहले उनको कस्टमर केयर को फ़ोन किया और फिर सारी बातें बताई कि देखिए आपका होटल क्लोज है, लगता है आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और मुझे अल्टरनेट बुकिंग प्रोवाइड की है। और एक उसके बाद मैंने वापस एक मेल भी किया उनको, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि होटल क्लोज है, आपके पास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? मैं बोला सर, मैंने जहाँ से एजेंसी से बुक किया है उन्होंने मुझे बताया कि यह होटल क्लोज है। तो मैंने उनको एक गूगल का स्नैपशॉट भेजा कि दिस होटल इज़ क्लोज बोल के, और मुझे बोले सर आप निश्चिंत रहिए, आपको 1 घंटे में रिवर्ट हो जाएगा, बैक एंड टीम को हम क्वेरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और तकरीबन मॉर्निंग में मैंने ये कंप्लेंट रेज की,
एक घंटा हुआ, 2 बजे 3 बजे कोई फ़ोन नहीं आ रहा था। उससे पहले मैंने बहुत फ़ोन किए, फिर 1-1 घंटे का मैं उन्हें उस महीने ने उनका फॉलोअप लेना चालू किया, बट मुझे यही बता रहा है सर वी आर वर्किंग ऑन दैट, प्लीज़ वेट डोंट वरी, आपकी बुकिंग कॉल की है ना, आपको कोई ना कोई बुकिंग मिल ही जाएगी, बट लेट अस इन्वेस्टिगेट सर। तो मैंने बोला ठीक है चलो, ऐसा ऐसा हो के तकरीबन मुझे अभी भी याद है 7 बजे थे, तब मुझे एक मोहतरमा का फ़ोन आया मैडम साहब, वो मैडम थी मेक माई ट्रिप से, उन्होंने बताया सर आप है ना निश्चिंत रहिए आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। मतलब कब सॉल्व हो जाएगी, अभी मैं 12 बजे के बाद चेकिंग करूँगा, फिर मेरा फ़ोन शायद स्विच ऑफ हो जाएगा, तब मुझे कैसा पता चलेगा आपने अल्टरनेट बुकिंग दी है वगैरह। तो वो उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया सर आप निश्चिंत रहिए, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए, ईमेल रहेगा आपको आया रहेगा, उस पर कोई ना कोई अल्टरनेट बुकिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो मैंने बोला ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, आपको मैंने सुबह क्वेरी रेज की है और जैसे कि आप प्रॉमिस करते हो कि आपकी क्वेरी 1-2 घंटे में सॉल्व होती है, तो आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए ये जो होटल बुकिंग है वो बुकिंग तो हमने की है, पर इसके बीच में है booking.com, मैं उसमें अभी टेंशन में, अभी booking.com में क्या करूँ बोला। तो उन्होंने हम booking.com से बात करें, booking.com हमें बताएगी। मैं बोला ठीक है चलो वेट करता हूँ। ऐसा ऐसा कर करके मैं और मेरी वाइफ एयरपोर्ट चले गए, और एयरपोर्ट तक मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा चेकिंग भी हो गया, मैंने अंदर एंट्री भी लिया, और टाइम था मेरे पास लगभग आधा घंटा पहले, मैं जो फ्लाइट में इंटर करने वाला था उससे पहले वापस एक फ़ोन किया मेक माई ट्रिप को, और मैंने फ़ोन फिर से उनको छापा चालू किया कि भाई तुम लोगों ने अभी तक मुझे लटका के रखा है, मुझे एक भी बुकिंग नहीं दिया, और ऐसा ऐसा करके उसने भी मुझे बोला सर सर डोंट वरी मैं अभी अभी फ़ोन आपका कनेक्ट कर देता हूँ आप निश्चिंत रहो जाइए, और ऐसे ही फ़ोन काट दिया। ये हो गया मेरे साथ। फिर मैं और फ्लाइट में बैठा, मैंने वाइफ से बात किया, मेरी वाइफ भी बहुत टेंशन में थी अरे क्या करना है, क्योंकि देखिए 28 जनवरी को हम वहाँ पे रीच होंगे, 28 जनवरी ने 28 दिसंबर को, तब बात क्या होगी, यही ना बुकिंग नहीं है, अरे बुकिंग नहीं है ठीक है बट अल्टरनेट बुकिंग भी नहीं। और देखो आप जब जाते हो न्यू ईयर के टाइम तो बुकिंग कितनी एक्सपेंसिव होगी, और ये भी नहीं पता जब फुकेत क्राबी जैसे एरिया में आपको होटल मिलेगा कि नहीं, ऐसा भी टाइम आ सकता था कि हमें बीच पे सोना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है कभी आप पीक सीजन में जाओगे ना अगर बुकिंग नहीं रहेगी ना तो आपको बीच पे सोना पड़ता है। तो ये बात है ना मेरे को वाकई में बहुत परेशान कर रही थी। तब जाके है ना मैंने फ्लाइट में है ना मैंने अपने मोबाइल से है ना booking.com से पैराडाइज होटल बुक किया। आप मेरा ब्लॉग देखेंगे ना तो आपको पता चला रहेगा ब्लॉग 1 में कि पैराडाइज होटल में हमने कैसे चेकिंग किया, और ब्लॉग 3 में मैंने मेक माई ट्रिप के इस जो घटना हुई उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा नहीं 1-2 मिनट का वीडियो डाला था कि जैसे कि मेरे को मेक माई ट्रिप से ये बुकिंग मिली नहीं। देखिए अभी इसमें हुआ क्या है, मुझे जो इनकन्वीनियंस हुआ उसका उन्होंने मुझे 1 जनवरी को रिप्लाई दिया, मुझे 1 जनवरी को मेल आया, उसमें उन्होंने क्या लिखा कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस ड्यू टू होटल क्लोज। अभी ऐसा अगर ईमेल आपके मोबाइल पे आता है और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस दिखाया जाता है, देखिए मैं आपको वो ईमेल का स्क्रीनशॉट बताता हूँ। ये देखिए अगर मुझे बताइए अगर आप कोई इंटरनेशनल टूर के लिए जा रहे हो वी रिग्रेट द इंटरनेस ड्यू टू होटल क्लोज, ये 1 जनवरी का मेल है, 3 दिन के बाद मुझे मेल आया। तो देखिए ये सब गलत है। देखिए आप जो और मेरे जैसे जब इनोसेंट ट्रैवलर ट्रैवलिंग करते हैं और उनके साथ ऐसा होता है तो कोई आवाज़ उठाता ही नहीं ना, बट इस बार मैंने आवाज़ उठाई है, क्योंकि हम देखो ये भारत में कैसे हम बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, जैसे कि हमारी कंपनी हमारे देश की कंपनी अगर हमें कहाँ भेज रही है उसके लिए वो कॉशियस नहीं है, उनका कर्तव्य नहीं है क्या सिर्फ बाहर के आते हैं उनको ही अतिथि देवो भव उनको तजुर्बा देते हैं, नहीं ना गलत है ना, ये जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने एक आवाज़ उठाई है ताकि आप और मेरे जैसे इनोसेंट इन्वेस्ट
ट्रैवलर इसमें फंसे नहीं, और अगर कभी भी कुछ होता है तो वो अपनी आवाज़ उठाए, दुनिया को बताए कि ये गलत है, क्योंकि ऐसी कंपनियां सिर्फ बुकिंग देके छोड़ देती है कस्टमर को, जाओ आपको कहाँ जाना है जाओ। देखिए इसमें क्या किया मैंने, मैंने उन पे चार्जेस लगाए, मैंने एक यहाँ पे आने के बाद लॉयर से बात किया और ऐसे ऐसी घटना बताई, तब जाके मैंने उनको 29 जनवरी 2020 को लेटर पोस्ट किया, स्पीड पोस्ट है, जो कि उनके वेबसाइट पे और मेरे बुकिंग पे एड्रेस था। वो एड्रेस थे एक फूसा रोड न्यू दिल्ली में है, और एक दूसरा है DLF साइबर सिटी, DLF फेस 2 जो कि गुड़गांव में। देखिए यहाँ पे मैंने उनको जो नोटिस भेजा है उसमें लिखा है कंप्लेंट अगेंस्ट डिफिशियंसी इन सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कमिटेड बाय योर कंपनी, जो कि मुझे अपने लॉयर ने बताया था। देखिए इसमें बात यह है कि अगर आप किसी कंपनी आपको कोई भी बुकिंग वगैरह देती है, भले वो ऑनलाइन पोर्टल है, हम विश्वास करके जाते हैं, और अगर आपको बुकिंग नहीं मिलती तो इसके बारे में आप सोचिए आपको क्या बीती रहेगी। तो इसी ऊपर मैंने उन पे इफिशियंसी इन सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विद इन द प्रीवियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पे चार्जेस लगा है, और इसमें मैंने उन पे जो लॉसेस कॉम्पनसेशंस है वो लगाया है, जो कि मैं कॉम्पनसेशन की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि वो छोटी ही अमाउंट है, बट बात यह है कि ये इनको समझना चाहिए कि कोई फैमिली अगर टूर पे जा रही है और उनको सपोर्ट नहीं मिले, ये आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आप ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ये वीडियो पे इतना शेयर कीजिए, आप अगर फेसबुक पे हो फेसबुक पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे हो तो ट्विटर पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, और ये मेक माई ट्रिप को ये वीडियो टैग करना ज़रूर नहीं भूलना, क्योंकि इसमें एक कॉमन आदमी की, एक इनोसेंट ट्रैवल की आवाज़ उठनी चाहिए, और इनके जैसे जो मैनेजमेंट है वो देख रही है सिर्फ कि कुछ नहीं कर रहा, और जैसे कि आज भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हो 8 अगस्त 2020 की बात है, हालांकि अभी लॉकडाउन था और हम अनलॉक की सिचुएशन में आ गए, बट फिर भी जनवरी 29 को मैंने लेटर भेजा है। तो देखिए फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 6 महीने हो गए, फिर भी मुझे कोई उनके तरफ से रिप्लाई नहीं है। देखिए अभी ये रिप्लाई मुझे देते हैं नहीं देते, जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, अगली वीडियो ज़रूर पेश करूँगा, बट मेरी गुजारिश है आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ताकि ये मेक माई ट्रिप को समझ में आए कि ये जो कर रहे ट्रैवल, जो भी ट्रैवल करते हैं उनके तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए और उनका सही तरीके से ख्याल रखना चाहिए, जो मेरे साथ हुआ आपके साथ ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।